हाँ जी दोस्तों, गलबात आपां अज करांगे संत समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद बारे। स्वामी विवेकानंद जी नाल जुड़ियां होईयां ओ दिलचस्प घटनावां जिन्हां नूं सुन के तुसीं खुश हो जाओगे और हैरान भी होवोगे। सो दोस्तों, वीडियो सारी सुणियो ते जिन्हां वीरां ने हजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो भी जरूर कर लैण ते बैल वाला बटन भी दब लैण ताकि नवीं वीडियो दे नोटिफिकेशन तुहानूं मिलते रहन। दोस्तों, 19वीं सदी विच पछम विच भारत की जो पछाण बनी हुई सी वह इस दे बहमा भरमा अंध विश्वासां ते पक्षपातता की धरती होण वजों ही बनी हुई सी। बजाए कि औरतां मर्दां दीआं नैतिक अते कौमी प्राप्तियां दे हिंदूत्व दे तौर ते भी धर्म महज एक दिखावा समझा जांदा सी जिस विच सच ते मुक्ति दे साधक लई कमाउण नूं कुछ भी नहीं सी। जे भारत दे हिंदू धर्म बारे बनी विश्व की इस धारणा नूं बदलण दा सेरा किसी एक व्यक्ति नूं जांदा है तां ओह सिर्फ ते सिर्फ स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने पूरे विश्व विच भारत अते हिंदू धर्म नूं बणदा माण सत्कार दवाया। ओह देश नूं उन्हां दी सब तों वड्डी देण है। नरेंद्र नाथ दत्ता यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी नूं शिमला पल्ली कलकत्ते विच होया सी। उन्होंने पिता विश्वनाथ दत्ता अपने वेले के मशहूर वकील सन। उन्होंने माता भुवनेश्वरी देवी एक सूझवान अते सादगी पसंद औरत सी। वह परमात्मा का भय मनन वाली औरत सी ते अपने पुत्र नूं धार्मिक सिक्ख्या दिंदी सी। उस वेले दीआं ज़्यादातर हिंदू मावां वांग वह उन्होंने रामायण अते महाभारत दीआं कथावां सुणाउंदी हुंदी सी अते इमानदारी ते हौसले दे गुण भरदी सी। नरेंद्र नाथ बचपन तो ही प्रौढ़ बुद्धि तेज यादाश्त के मालक सन। उन्होंने बहुत छोटी उम्र तो ही ध्यान साधना शुरू करती सी। स्कूल विच वो पढ़ाई दे नाल नाल खेडां विच भी बड़े तेज सन। उन्होंने एक कला प्रेमी नाटक कंपनी भी संगठित की सी। इस दे नाल ही उन्होंने ना केवल एक खेड अखाड़ा स्थापित किया सगों तलवारबाजी कुश्ती किश्ती दौड़ ते होर कई खेडां खेडणियां भी सीखियां। उन्होंने गायन अते वादन संगीत की भी सिक्ख्या हासिल की। बहुत ही छोटी उम्र तो ही उन्होंने वहमां भरमां दीआं रीतां अते जात पात दे धर्म दे नां ते हुंदे पक्षपात ते भी सवाल करने शुरू करते। नरेंद्र बड़े शरारती बच्चे सन। वह अपने आंढ गुआंढ दे बच्चियां दे गुट दे नेता हुंदे सन। एक बार कहिंदे एक जिमीदार ने इन्हां बच्चियां दीआं शरारतां तों तंग आके उन्होंने डराबा दिता कि इत्थे इस जमीन ते इस दरख्त ते एक भूत रहिंदा है जो कि बच्चियां नूं खा जांदा। इस ते नरेंद्र दे दोस्त डरदे मारे भज गए पर नरेंद्र नहीं डरिया। वह उस दरख्त की एक टाणी ते चढ़ के बैठ गए अते भूत दे आउण दी उड़ीक करन लगे। कुछ घंटियां तक उड़ीक करन तों बाद भी जदों भूत प्रगट ना होया तां उन्होंने प्रतक्ष साबित करदिआं ऐलान कीता कि जिमीदार की कहानी झूठी सी। नरेंद्र सन्यासियां ते वैरागियां दा बहुत सत्कार करदे सन। उन्हां दा दिल बहुत वड्डा सी ते ओह किसे नूं भी कुछ भी अर्पित कर दिंदे सन। ओह अपने घर भिख्या मंगण आए भिखारियां नूं अपने नवें कपड़े दे दिंदे सन। कई बार तां जदों कोई मंगता घर दे कोलों दी लंघदा सी तां उन्हां दे माता उन्हां नूं कमरे विच बंद कर दिंदे सन। उन्हां अंदर त्याग अते बलिदान की भावना हमेशा प्रबल रही। नरेंद्र नूं रामायण की कथा सुननी बहुत चंगी लगती ते ओह खास करके हनुमान नूं बहुत प्यार करदे सन। एक बार नरेंद्र नूं भगवान शिव की मूर्ति के अगे सारे शरीर ते स्वाह मली बैठिया वेख के उन्हां दी माता ने हैरान होके इसका कारण पुछया तां उन्होंने मुस्कुराउंदिया जवाब दिता कि माँ, मैं भगवान शिव हाँ। यह सुन के उन्हां दी माता फिक्रमंद हो गई कि किते उहदा पुत्र भी अपने दादे दी तरह सन्यासी ना बन जावे। क्योंकि नरेंद्र दे पिता वकील सन इसलिए उन्हां दे घर हर तरह की जात धर्म दे लोकां दा आउणा जाणा सी अते उन्हां दे ज़्यादातर मुवक्कल उन्हां दे घर ही सवेर ते खाने दा दुपहर ते सवेर दा खाणा खांदे सन। यह एक रिवाज सी कि खाने तों बाद मेहमानां नूं पीण लई हुक्का दित्ता जांदा सी। उन्हां दे घर वक्ख वक्ख जातां दे लोकां लई वक्ख वक्ख नालियां हुंदियां सन हुक्के दियां। नरेंद्र जानना चाहुंदे सन कि जे ओह किसे दूजी जात दे लोकां दे वरतण वाली नाली नाल हुक्का पीएगा तां की वापरेगा।
इस लई उन्हां ने यह तजर्बा किया भी, पर कुछ ना होया। इस तों उन्हां नूं पक्का विश्वास हो गया कि जात पात कोई मायने नहीं रखती। उन्हां दे बचपन दीआं अजिहीआं घटनावां ने जो उन्हां दे बाल चरित्र नूं उगाड़दीआं ने। उह हमेशा दूजिआं दी मदद करदे सन ते हिम्मती सन। एक बार एक स्थानक अखाड़े विच शरीरक वर्जशां दे चालू गेड विच एक दर्शक मलाह ते दुर्घटना वास एक लोहे दी राड डिग पई। वह मलाह बेहोश हो गया अते दूसरे सारे दर्शक भी पुलिस दे आउण तों पहला पहला ही उत्थों खिसक गए। ये नरेंद्र ही सन जिन्हां ने अपने दो दोस्तों की मदद नाल उस नूं मुढ़ली डाक्टरी सहायता दित्ती। फिर वह उस डाक्टर कोल लैके गए उन्हूं। उन्होंने वह जख्मी की सहायता लई कुछ पैसा भी जुटाया। एक होर घटना दौरान नरेंद्र ने घोड़ा बग्गी दे पहिए हेठां आए अपने एक दोस्त नूं भी कढ़िया। नरेंद्र कोल कमाल दी याददाश्त सी। सिर्फ एक बार पढ़न ते ही उन्हां नूं सबक याद हो जांदा सी। उन्हां दा अंतर ध्यान भी कमाल दा सी, जिस सदका वह पढ़ाई विच हमेशा सफल रहे। उन्हां दे पिता विश्वनाथ दत्ता ने भी अपने पुत्तर नूं नेक सलाहां देके बहुत जागृत किया। वह नरेंद्र नूं हमेशा कहिंदे सन कि जदों तक तुसीं सच अते धर्म दे रस्ते ते चलदे हो तुहानूं किसी तों भी डरन दी लोड़ नहीं है। किसी नूं भी धमकाया नहीं जा सकता। हर किसी नूं स्वै माण दी राखी करनी चाहीदी है। किसी एक धर्म नूं प्यार करन दा मतलब यह नहीं है कि दूजिआं धर्मां नूं नफरत दी निगाह नाल वेख्या जावे। मनुखी सुधारां लई देश भगती दी भावना होनी लाजमी है। विदेशी धाड़ भी एक मुल्क नूं तां लुट सकदे हन, पर वह कदे भी लोग विरसे अते सभ्याचार नूं लुट के नहीं ले जा सकते। 1879 विच नरेंद्र ने उचेरी सिक्ख्या लई प्रेजीडेंसी कॉलेज कलकत्ते च दाखला लिया। एक साल बाद वह कलकत्ते दे ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज विच दाखिल हो गए ते उत्थे उन्होंने फलसफा पढ़िया। अपनी पढ़ाई दौरान उन्होंने पछमी तर्क विज्ञान, पछमी दर्शन अते यूरोपियन देशों का इतिहास पढ़िया। ये वो समा सी जदों गंभीर नरेंद्र ने परमात्मा अते उहदी होंद बारे गंभीरता नाल सोचना शुरू किया सी। इदा ओ तत्काल दी एक महत्वपूर्ण धार्मिक लहर ब्रह्मो समाज जिसके मोढ़ी केशव चंद्र सेठ सन उहदे वल खिच्चे गए। पर ब्रह्मो समाज दीआं संगत प्रार्थनावां अते भजन नरेंद्र दी परमात्मा प्रति जगियासा नूं शांत करन लई काफ़ी नहीं सन। वह अक्सर ब्रह्मो समाज के ज्ञानियां ध्यानियां नूं पुछदे कि उन्होंने परमात्मा वेख्या है। उन्होंने जवाब भी नरेंद्र की जग्यासा नूं संतुष्ट ना कर पाते। उन्होंने अपने संस्या नूं एक महान विद्वाना अगे भी रखिया ते उन्हां दा मार्गदर्शन चाहिया, पर वह इन्हां विद्वान तर्क शास्त्रियों के दिते तर्कां तों भी प्रभावित ना होए। नरेंद्र नूं जापिया कि इन्हां विचों किसी नूं भी परमात्मा का प्रतक्ष अनुभव नहीं होया है। इसे दौरान स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसीपल रैवलैंड विलियम हेस्टी ने नरेंद्र नूं दक्षिणेश्वर दे श्री रामाकृष्ण बारे दसिया। उन्होंने नरेंद्र नूं आख्या कि जेकर वह समाधि का सही अर्थ जानना चाहुंदा तां श्री रामाकृष्ण नूं जाके मिले। श्री रामाकृष्ण अते नरेंद्र दे गुरु चेले दे रिश्ते नूं अध्यात्मकता दे इतिहास विच अदुत्ती मन्निया जांदा। अपनी सादगी अते अद्वैत वेदांत दे डूंघे ज्ञान सदका श्री रामाकृष्ण ने पहली मुलाकात ते ही अपने इस नौजवान चेले दा दिल अते मन जित लिया सी। उन्हां तों ही नरेंद्र रूहानी वेदांतिक धर्म दी सच्ची आत्मा सनातन धर्म नूं जाणिया ते समझिया अते एक साधारण नौजवान तों स्वामी विवेकानंद हो गए। श्री रामाकृष्ण काली देवी दे मंदिर विच पुजारी सन। वह कोई वड्डे विद्वान तां नहीं, पर एक महान श्रद्धावान सन। आख्या जाता सी कि उन्होंने परमात्मा देखा है। बहुत सारे विद्वान जो उन्होंने मिलन जाते सन उन्होंने चेले ही बन जाते सन। नरेंद्र पहली बार रामाकृष्ण जी को नवंबर 1881 च मिले। उदों श्री रामाकृष्ण अपने चेलियां नाल परमात्मा की चर्चा में रुझे हुए सन। नरेंद्र भी जाके अपने दोस्तों नाल एक कोने च बैठ गए। जदों श्री रामाकृष्ण की नज़र नरेंद्र ते पई तां उन्हां नूं एक तरह नाल इदां दा अहसास होया जिवें उह नरेंद्र नूं पिछले जन्म तो ही जानते हैं। अखीर उन्होंने नरेंद्र को पूछा कि तू गा सकदा है। नरेंद्र को दो कु बंगाली गीत गा के सुनाए नरेंद्र ने। तो गीतों तो मंत्र मुग्ध होए श्री रामाकृष्ण अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद नरेंद्र को एक पासे लैके पूछण लगे, मेरे बच्चा तू इन्नी देर कित्थे सी?
मैं इन्ने साल तेरी उड़ीक कर करके हंब गया। मैं अपने अनुभवों नूं एक सही अते समर्थ इंसान नाल बंडना चाहुंदा सां। तू कोई आम आदमी नहीं है, तू भगवान विष्णु दा अवतार है। की तैनू पता कि मैं तेरी किन्नी उड़ीक कीती? इन्ना कह के वह हेठां बैठ गए। नरेंद्र दुचित्ती च पै गया। एक बार तो उन्होंने भी सोचा कि पुजारी जी 70-72 हो गए ने। श्री रामाकृष्ण ने उन्होंने दोबारा आने को कहा। उतों कन्नी कतरा के निकलने लिए नरेंद्र ने उन्होंने दोबारा जरूर आने का कह के टाला मारता। श्री रामाकृष्ण की गलबात खत्म होने तो बाद नरेंद्र ने अपना उही पुराना सवाल उन्हें अगे रखता। अखे जी महाशय, की तुसी परमात्मा नूं डिठा है? इसते रामाकृष्ण ने जवाब दिता, हाँ डिठा है। जिनी नेड़ता तो मैं तेनों वेख रहा हाँ, बिल्कुल उन्ना ही नेड़े तू। तो नरेंद्र ने पूछा, की परमात्मा नूं वेख्या जा सकता है? श्री रामाकृष्ण जी ने कहा, बिल्कुल परमात्मा नूं उन्नी ही सहजता नाल वेख्या जा सकता अते गलबात की जा सकती जिमें कि मैं तेनों वेख के बुला रहा हाँ। पर कौन परवाह करता है? लोग अपनी पत्नी बच्चों धन दौलत या जमीन जायदाद लई तां रोंदे कलपदे ने, पर परमात्मा नूं पाउण लई कोई भी इदां नहीं करता। जे किसी के दिल विच्चों सचमुच उस परमात्मा लई रुदन निकलता है तो वह यकीनन अपने आप नूं प्रगटाउंदा है। नरेंद्र यह सब सुन के हैरान रह गया। उन्होंने जापन लगा कि ये व्यक्ति वाकई सच्चा है। लगभग एक महीने मगरों नरेंद्र अकले ही दक्षिणेश्वर गए। श्री रामाकृष्ण उन्होंने वेख के बड़े खुश हुए। वह अंतर ध्यान हो गए तो उन्होंने अपनी एक लत नरेंद्र की गोदी च रख दी। नरेंद्र नूं बड़ा अजीब जिहा अहसास होया। उन्होंने लगा जिवें वह खुर रहे हो। चीखे, तुसीं इह की कर रहे हो? मेरे मापे अजे जिंदा ने ते मैनूं उन्हां कोल वापस परतना चाहीदा है। श्री रामाकृष्ण मुस्कुराए ते बोले, अज लई इन्ना ही काफ़ी है। अते उन्होंने अपनी लत वापस खिंच ली। नरेंद्र दोबारा पहली वाली हालत विच परत आए। इस तों मगरों जल्दी ही नरेंद्र लगातार श्री रामाकृष्ण कोल जाण लगे। पहली बार तो उन्होंने नहीं मन्निया सी कि रामाकृष्ण जी ने परमात्मा ने दर्शन किए ने, पर मगरों हौली हौली उन्होंने इस गल ते यकीन आउण लगा, क्योंकि नरेंद्र श्री रामाकृष्ण दे अते उन्हां दे विचारां दे पक्के श्रद्धावान नहीं सन। इसलिए वह जल्दी किसी नतीजे ते नहीं पुछना चाहते सन। नरेंद्र हमेशा किसी भी चीज़ नूं प्रवान करन तों पहलां उहदी सर्वपक्षी जांच पड़ताल करन दे आदि सन। हौली हौली इन्हां दोहां महान आत्मावां विच एक डूंघा संबंध कायम होण लगा। पर श्री रामाकृष्ण नूं गुरु धारण तों पहलां नरेंद्र उन्हां दा एक इम्तिहान लैणा चाहुंदा सी। रामाकृष्ण अक्सर कहिंदे सन कि परमात्मा नूं पाउण लई सानूं पैसे अते और दी लालसा त्यागणी ही पवेगी। एक दिन नरेंद्र ने उन्हां दे सराहणे हेठां 1 रुपए का सिक्का रखता। श्री रामाकृष्ण जो कि उदों बाहर गए हुए सन, थोड़ी देर बाद आए तो अपनी मंजी ते लेट गए। एकदम उठ खड़ोते जिवें किसी बिच्चू ने डंग मार लिया होवे। जदों उन्होंने अपना बिस्तरा झाड़िया तो सिक्का हेठां डिग पिया। बाद च उन्होंने पता लग्या कि यह नरेंद्र दे हत्थां दी सफाई सी। नरेंद्र ने रामाकृष्ण की कई बार प्रीख्या ली, पर उस महात्मा ने ना सिर्फ इन्हां तों पार पाया सगो अपना हलीमी ते हासे ठट्ठे वाला सुभाव भी कायम रखिया। उन्होंने कदे भी नरेंद्र नूं इस बारे कोई सवाल ना कीता। समा पा के नरेंद्र ने पूरे सच्चे दिलों श्री रामाकृष्ण नूं गुरु धार लिया। जबकि श्री रामाकृष्ण अपने दूजे चेलियां नूं ज़्यादातर अद्वैत अते भगती दी सिक्ख्या दिंदे सन, पर नरेंद्र नूं उन्हां दे अद्वैतवादी दर्शन यानी कि अद्वैत वेदांत ही पढ़ाया। नरेंद्र श्री रामाकृष्ण दे सब तों चहेते चेले सन, पर उह कदे भी अपने इस चेले नूं संतुष्ट नहीं कर सके। जदों नरेंद्र मूर्तियों नूं पूजन वाले अते अद्वैत दे सिद्धांत नूं ना मनन वाले लोगों की आलोचना करते सन, तां श्री रामाकृष्ण उन्हां नूं प्यार नाल डांट के कहिंदे सन, इको मंजिल ते अपन लई कई राह हो सकते हैं। किसी नूं इह कहिण दा हक नहीं है कि दूसरे लोगों वल्लों चुनिया राह गलत है। कोई भी गल जो समझो बाहर होवे उस ते अपनी राय थोपना गलत गल है। एक दिन श्री रामाकृष्ण नरेंद्र नूं एकांत वाली थां ते लै गए। उन्होंने कहा कि मैं लंबी ध्यान साधना राही कुछ रिद्धियां सिद्धियां हासिल कीतियां ने, जिन्हां सदका किसी ही मनुख दी मनोकामना पूरियां हो सकदियां ने। मेरी कोई लालसा बची नहीं है, इसलिए ये ताकत मेरे किसी काम दियां नहीं। की मैं इन्हां रिद्धियां सिद्धियां नूं तेरे ते निछावर कर सकदियां? नरेंद्र ने पूछा, पर की ये ताकत मैनूं स्वै दी पछाण करन च मददगार होणगियां? नहीं, गुरु ने जवाब दिता। फिर मैं इन्हां नूं नहीं लवांगा, क्योंकि मेरे लिए किसी भी होर चीज़ नालों ज़्यादा परमात्मा नूं अनुभव करना महत्वपूर्ण है। नरेंद्र के इस जवाब तो श्री रामाकृष्ण बड़े खुश होए। इस बार गुरु ने चेले का इम्तिहान लिया। इस विचों चेला पास भी हो गया सी। लगभग 5 वरियां की विद्या तो बाद
नरेंद्र एक बेचैन दुचित्ते अते बेसबरे नौजवान तो एक अजिहे सूझवान मनुख बन गए जो कि परमात्मा विच अभेद होने खातर हर चीज़ का त्याग करने तैयार सन। हौली हौली नरेंद्र ने सारिया दुनियावी लालसावां त्याग दित्तियां। उदों वह बीए की डिग्री के इम्तिहान लई पढ़ रहे सन। उन्हां दीआं भविखी ब्यौंतां बारे जाण के उन्हां दे मापिआं ने दोबारा उन्होंने दुनियादारी बनने लई उन्हां दा ब्याह पक्का कर दिता। यह सुन के श्री रामकृष्ण बेहद दुखी होए। उन्होंने नरेंद्र नूं सलाह दित्ती कि जेकर वह घर परिवार नाल बजे रहणगे तां कदे ही मनुखता दी सेवा करन दे समर्थ नहीं हो सकणगे। कई बार नरेंद्र दा श्री रामकृष्ण दीआं सिक्ख्यावां उत्ते भरोसा डोल जांदा सी। उदों फिर श्री रामकृष्ण उन्होंने अपने हत्थां नाल छूंदे सन ते फिर नरेंद्र एक तरह नाल समाधि लीन हो जांदे सन। जदों वह दोबारा अपनी असली हालत पतदे तां पूरी तरह गुरु दीआं सिक्ख्यावां प्रति समर्पित होंदे। 1884 नरेंद्र ने बी दी डिग्री का इम्तिहान पास किया। इसे दौरान उन्होंने पिता गुजर गए। परिवार आर्थिक उलझणा विच फसिया होया सी। लैणदारा ने परिवार को परेशान करना शुरू करता। कई लैणदारा ने तो केस भी दर्ज करवा दिते। निराश नरेंद्र नौकरी की भाल कर लगे। उन्हों की हालत इन्नी तरसयोग हो गई थी कि उन्हों को ना तो पहनने चंगे कपड़े ही सन और कई बार तो वह बिना कुछ खाधे पीतियां ही घरों निकल जाते सन ताकि उन्होंने दूजे उन्हों की माँ दूजे भैन भरा कुछ खा सकन। प्रेरणा सारिया विपतावान के बावजूद परमात्मा से उन्हों का भरोसा अडोल रहा। उन्होंने गुरु भी उन्होंने हमदर्दी जिताते कहते कि तू मनुखता की सेवा से माँ काली का काम करना है इसलिए तू तकड़ा बन। तो एक दिन नरेंद्र ने परमात्मा ही दया हासिल करने अपने गुरु की मदद लैण की ठान ली। उन्होंने अपने गुरु ने कहा कि मेहरबानी करके मेरे नाते काली माँ को मैं इस गरीबी से कंगाली तो उभारण लई प्रार्थना कर दिओ। वो तुहाडी हर इच्छा पूर्ण कर देगी जरूर करेगी ना। गुरु ने जवाब दिता वो कहिंदा मेरे बच्चिया तैनू काली माँ च छड़दा नहीं है फिर भला वो तेरी भला मेरी अरदास भी क्यों सुनेगी। तू खुद उस तक पहुँच कर फिर वह जरूर तेरी मनोकामना पूरी करेगी। इस तरह अद्धी रात को नरेंद्र काली देवी की मूर्ति अगे एक जाचक बन के खड़ा हो गया। डूंगे अंतर ध्यान होके उन्होंने देवी माँ अगे अरदास की हे माँ मेरे ते मेहर का मीह बरसा ते आके अपना दर्स दिखा। जदों नरेंद्र बाहर आए तो गुरु ने पूछया कि की उसने अपनी जाचना देवी अगे कर दिती है। नरेंद्र ने निराश होकर आख्या ओहो मैं देवी तो मंगना ही भुल गया। फिर जाके वापस ते देवी तो अपनी मनोकामना मंग गुरु ने आख्या। पर दोबारा फिर नरेंद्र देवी अगे अपनी गरीबी का जिक्र करना भुल गए। तीजी बार भी इदा ही होया। गुरु बेहद प्रसन्न होकर बोले मेरे बच्चे तेन सिर्फ रोटी कपड़े लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। यह चीजा मनुख का असली टीचा नहीं हैं। परमात्मा विच भरोसा रख वह तेरी परिवार की पूरी देखभाल करेगा। बाद नरेंद्र को एक अध्यापक की नौकरी मिल गई। उस समय लिए उन्होंने विद्या सागर स्कूल च पढ़ाया। हुण परिवार की आर्थिक हालत पहले नालों कोई संभल गई। उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई भी जारी रखी। इसे दौरान उन्होंने गुरु गले के कैंसर तो पीड़ित हो गए। नरेंद्र ने अपनी नौकरी ते पढ़ाई छड़ती ते पूरा समा अपने गुरु की सेवा संभाल च बिताउण लगे। अकेरा जदों नरेंद्र अंतर ध्यान सन तां एकदम चीक उठे ओए मेरा शरीर किथे गया। जो दूजे नेड़े सन उन्होंने उन्हें शरीर नूं छू के उन्होंने उन्होंने शरीर की मौजूदगी का एहसास करवाया। जदों श्री रामकृष्ण ने इस घटना बारे सुनिया तो बेहद खुश होए कि अखीर उन्हां दी एक समर्थ चेले नूं पाउण दी लालसा पूरी हुई। श्री रामकृष्ण का अंत नेड़े आ रहा सी। अपने आखिरी दिन उन्होंने नरेंद्र नूं अपने बिस्तरे कोल सद्दिया ते उन्हां नूं छू के उन्हां अपनियां सारियां रूहानी ताकतां नरेंद्र अंदर प्रवेश कर दित्तियां। फिर उन्हां आख्या नरेंद्र हुण तू सर्व समर्थ है ये सब मेरे बच्चे हैं इन्हां दा ख्याल रखना तेरा हुण फर्ज है। इन्हां बोलां ने नरेंद्र नूं रोणहाका करता ते उह रोंदे रोंदे कमरे चों बाहर आ गए। श्री रामकृष्ण का देहांत अगस्त 1886 होया सी। उन्हां दे देहांत मगरों नरेंद्र अते श्री रामकृष्ण के कुछ होर चेलियां ने सब कुछ त्यागण अते सन्यासी बनण दा ऐलान करता। उन्हां ने 12 नगौर दे एक घर च रहना शुरू करता। यह घर गंगा दे कंढे ते एक बारी स्थान ते स्थित सी। यह श्री रामकृष्ण की समाधि दे बिल्कुल लागे सी। इदां इत्थे एक मठ खोलिया गया। इन्हां नौजवान सन्यासियां दे टीचे मुक्ति प्राप्त करना ते पैरोकारां दी सेवा करना सी। तां सन्यासी जिहड़े हुंदे आ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁਮੱਕੜ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਚੋਗਾ ਇੱਕ ਕਮੰਡਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਸ਼ਾਨੰਦ
विविदिशा का संस्कृत अर्थ है जानने की तांग, आनंद का अर्थ है विस्माद, सचदानंद आदि। यह आख्या जाता कि उन्होंने विवेकानंद ना खेतरी के महाराजे ने दुनिया के चंगे मंदे की पछाण संबंधी उन्होंने उन्होंने दू दृष्टि वेख के दिता सी। अपनी यात्रावां दौरान विवेकानंद ना सिर्फ महलों च रहे सगों गरीबां दीआं चालां अते झौंपड़ियां विच भी रहे। उन्होंने यात्रा पैदल ही की थी, पर कई बार दयालु अजनबी उन्होंने अपनी बैलगड्डियां या घोड़ा गड्डियां आदि भी बिठा लेंदे सन। अपने रस्ते च बहुत सारे धार्मिक स्थानों से रोके। वाराणसी पहला शहर से जिथे विवेकानंद गए। उन्होंने इत्थे अपना सारा समां साधुआं दी संगत करन, धार्मिक विचार चर्चा करन ते पवित्र रौह रीतां नूं निभाउण च बिताया। अपनियां यात्रावां दौरान वह पूरी तरह भारत के विभिन्न प्रांतों के सभ्याचारां ते लोकां नाल घुल मिल गए। उन्होंने समाज च फैलिया पक्षपात अते जात पात का भेदभाव भी नेड़ियों महसूस किया। उन्होंने लग्या कि भारत की होंद अते तरक्की सिर्फ कौमी सुधारां ते टिकी हुई है। वह 24 दिसंबर 1892 नूं भारतीय उप महाद्वीप के दक्षणी सिरे कन्याकुमारी पहुंचे। इत्थे वह समुद्र विच तैर के एक अजिहे दूर दरेडे की एकांत वाली चट्टान ते पहुंच गए, जिथे बाद उन्होंने 3 दिन ध्यान साधना की। इस ध्यान साधना तो बाद उन्होंने दसिया कि वह भारत के भूत वर्तमान अते भविख बारे ध्यान साधना कर रहे सन। वह चट्टान हुण कन्याकुमारी विच विवेकानंद मैमोरियल वजो जानी जाती है। तो अलबर के कुछ मुसलमान भी उन्होंने चेले बने सन। इत्थे उन्हों की मुलाकात महाराजा मंगल सिंह नाल भी हुई। सब तो पहले तो महाराजे नूं स्वामी जी विच कोई आस्था नहीं सी। दोहां दरम्यान भखवीं बहस भी हुई। महाराज ने ऐलान करता कि वह मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता। स्वामी जी ने जवाब आख्या कि कोई मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक है, तो हरेक श्रद्धालु का परमात्मा याद करने का अनुभव करने का अपना एक वक्रा तरीका है। पर महाराजा स्वामी जी के जवाब तो संतुष्ट ना होया। इसे दौरान स्वामी ने कंध से महाराज की एक वड्डी तस्वीर लड़ती देखी। उन्होंने महाराज ने दीवान को पूछा कि यह तस्वीर किसकी है। तो दीवान ने जवाब दिया कि यह महाराज साहब की है। फिर विवेकानंद बोले, इस ते थुक दियो। दीवान दंग रह गया। विवेकानंद पुछण लगे, क्यों घबरा गए हो? दीवान सोचण लगा कि यह तो हद ही होगी, जरूर स्वामी का दिमाग हिल गया। पर विवेकानंद अगे बोले, वैसे भी यह तस्वीर सिर्फ महाराज का परछावां मात्र ही तो है, ये कोई खून मास्ता नहीं है। पर यह तस्वीर को देख के सानू महाराज साहब याद आते हैं, दसो नहीं आते? दीवान ने कहा कि हुण महाराज ने अपनी गलती का एहसास होया। उन्हें स्वामी तो माफ़ी मंगी। इस तो बाद स्वामी जी जयपुर ते अजमेर तो लंघते हुए माउंट आबू भी गए। इत्थे उन्होंने एक गुफा में कुछ समा भजन बंदगी अते ध्यान साधना विच भी गुजारिया। तो जदों विवेकानंद राजस्थान रेल सफर ते रेल च सफर कर रहे सन, तो एक घटना वापर गई। वह सैकेंड क्लास के डब्बे च आराम कर रहे सन, तो उस डब्बे सवार दो गोरे उन्होंने मंदे शब्द बोलन लगे। उन्होंने सोचा कि स्वामी जी ने अंग्रेजी नहीं आती, पर जदों रेलवे रेल स्टेशन ते पहुंची तो विवेकानंद ने एक अफसर को अंग्रेजी में पानी का गिलास मंगया। वह दोवें गुरु स्वामी जी को फिर परते ते पुछण लगे कि वह जेकर अंग्रेजी जानते हैं तो उन्होंने उन्होंने मंदे बोलों से चुप क्यों धारी रखी। विवेकानंद जी बोले, मैं कोई पहली बार मूर्खा नूं नहीं मिल रहा। इसते गुरे भड़क गए, पर अपने विरोधी का परमा जुस्सा वेख के वह चुप्पे रहे। स्वामी ने रेल का सफर उदों ही किया जदों किसी ने उन्होंने टिकट खरीद के दिती, नहीं तो वह पैदल ही चलते सन। उन्होंने इन्हों यात्रावान दौरान पहरी तोड़ कर ज़रा समा फाके ही कट्टे। अकेर इदा होया कि एक व्यापारी उन्होंने रेल च सफर कर रहा है, तो उस को खाण दिया काफ़ी चीज़ा मौजूद सन। भावें स्वामी जी भुखे रहे थके हुए सन, पर उन्होंने उस तो भोजन की मंग नहीं की। व्यापारी उन्होंने बड़ी तंज न संबोधित होया, तो उन्होंने काम तो टलन वाला बेलट कह के पुकारिया। ठीक उस समय एक मिठाई की फ्री लाने वाले ने आके स्वामी जी ने कुछ मिठाई खाने को दे के कहा, स्वामी जी तुम अज तड़के मेरे सुपने च आए आए सो, भगवान श्री राम ने खुद थोड़ी जान पहचान मेरे नाल करवाई सी। ये वेख के घमंडी व्यापारी बड़ा शर्मिंदा होया। अपनियां यात्रावां दौरान विवेकानंद मद्रास पहुंचे। इत्थे उन्होंने मद्रास के नौजवानों को भारत और हिंदू धर्म संबंधी अपनियां बेउंतां बारे दसिया, जिस तों प्रभावित होकर उन्होंने नौजवानों ने स्वामी जी ने अमरीका जाण ते धर्मां दी विश्व पार्लीमेंट च हिंदू धर्म की नुमाइंदगी करने की बेनती की। रामनाथ दा राजा जिसनों इस कॉन्फ्रेंस लई सद्दा दिता गया सी, उसने भी इस पार्लीमेंट विच हिंदू धर्म की नुमाइंदगी करने लई स्वामी जी नूं ही सही विद्वान वजों अगे लिया। सारे मुल्कां चों लोकां ने स्वामी जी दे किराए भाड़े का खर्चा चुकण लई मदद भेजी, पर उन्होंने अपनी लोड़ जिन्नी मदद ही प्रवान की, बाकी रकम दानियां नूं वापस करती। मद्रास विखे अपने मित्रां भास्कर सेतुपति, रामानंद दे राजा ते मैसूर दे खेतरी दे महाराजां दी मदद नाल अखीर स्वामी जी अमरीका लई
समुद्री जहाज से रवाना हो गए। जहाज 31 मई 1893 बंबे हार्बर तो चलिया। स्वामी जी जुलाई के अद तक शिकागो पहुंचे। उन्होंने सुनिया कि विश्व धर्म सम्मेलन लगभग 3 महीने दूर है, क्योंकि शिकागो बड़ा महंगा शहर से उन्होंने को पूरी पूंजी सी। इसलिए स्वामी जी उतों बोस्टन चले गए। इतने एक दयालु औरत ने उन्होंने अपना मेहमान बना लिया। कदे कदाई वह छोटे क्लबों के इकट्ठा संबोधन कर लगे। वह ज़्यादातर भारतीय सभ्याचार से हिंदू धर्म बारे गल करते। जल्दी ही कई विद्वान उन्होंने दोस्त बन गए। उन्होंने एक सन हार्वर्ड यूनीवर्सिटी के ग्रीक के प्रोफेसर जॉन हैनरी राइट। वह स्वामी के विचारों तो बहुत प्रभावित सन। विश्व धर्म सम्मेलन के डेलीगेट ने सम्मेलन के अधिकारियों अपनी जान पछाण बारे पत्र जमा करवाने सन, पर स्वामी जी ने दसिया कि उन्हों को अजिहा पत्र गुम हो गया। इसते प्रोफेसर राइट ने स्वामी की जान पछाण करवाद्या अपने पत्र उन्होंने साढ़े सारे प्रोफेसर तो अगे लंघे विद्वान लिखिया। स्वामी जी फिर शिकागो परत आए। इतने आकर उन्होंने पता लग्या कि उन्होंने को सारे जानकार के पते गुम हो गए। शिकागो शहर के वसनीक ज़्यादातर जर्मन सन, जो कि अंग्रेजी नहीं समझे सन। वह शहर में भुखे भाने के स्थानक लोगों वालों बेती झलते घूमते रहे। जो तो रात हुई तो वह रेलवे स्टेशन से पे एक खाली डब्बे जहे सौ गए। सवेर हुई तो वह एक खेड मैदान दी पौड़ियों से बैठे विचार मगन सन कि उदों ही नेड़े घर रही एक औरत मिसिज जॉर्ज हिल्स उन्हां कोल आई। जो स्वामी जी ने औरत को अपने विश्व धर्म सम्मेलन के डेलीगेट होने बारे दसिया तो उस औरत ने उन्होंने घर चलने लिए कहा। उन्होंने थोड़ा खून पियाने बाद औरत उन्होंने कॉन्फ्रेंस तक भी लैके गई। कॉन्फ्रेंस 11 सितंबर 1893 शुरू हुई थी। विश्व के वक् वक् मुल्कों के हजारों डेलीगेट कॉन्फ्रेंस लिए इकट्ठे हुए सन। विवेकानंद उन्होंने सारे विचों सब तो छोटी उम्र के सन। उन्हों की बेनती से उन्होंने सब तो अखीर च बोलने का मौका दिता गया। उन्होंने दूजे डेलीगेटा वाग पहला तो ही कोई भाषण नहीं लिखा हुआ सी। उन्होंने अजकल भारतीय नेतावान विच आम प्रचलित शब्दों मेरे भैणों ते भरावों तो अपनी गल शुरू की। इस गल ते ही पूरा हाल ताड़ी नाल गूंज उठा सी। लगातार 3 मिनटा तक गूंजता रहा। अपने संखेप भाषण में उन्होंने आख्या कि वक् वक् धर्मां विच जम्मे लोगों ने अखीर नूं परमात्मा तक ही पहुँचना है। बिल्कुल उवें जिवें वक् वक् थावां तों निकले दरिया अखीर सागर में जाके मिल जाते हैं। उन्होंने यह भी आख्या कि कोई भी धर्म किसी दूजे धर्म तो चंगा या माड़ा नहीं होंदा। सारे डेलीगेटा ने स्वामी के भाषण को सराया। सारे अखबार उन्होंने तस्वीर ते तकरीरां नाल भर गए। बाद लोगों की भीड़ उन्होंने दुआले उन्होंने विचार सुन जुटन लगी। कई संस्थावां ते संगठनां ने स्वामी को सद्दा दिता। छेती वह फिर जगत प्रसिद्ध हो गए। अपनियां तकरीरां विच वह भारतीय सभ्यता की अमीरी की गल करदे सन। वह सारे विषयां ते पूरे स्वै भरोसे नाल बोलदे सन, भावें वह इतिहास होवे, भावें समाज शास्त्र, दर्शन जां साहित्य होवे। रोजाना अखबार उन्हां दी प्रशंसा नाल भरे होंदे, जो कि स्वामी जी नूं मंत्र मुग्ध करन वाला बुलारा कह के सलाउंदे अते मनुखता नूं खुश नसीब आखदे कि उस नूं अजिहे युग पुरश नूं वेखण अते सुणन दा सुभाग मिलिया। ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि यह विवेकानंद जी की अमरीका फेरियो सी, जिस करके एक जिउंदे जागदे धार्मिक ते दार्शनिक विरसे दे रूप च हिंदू धर्म प्रति पछम की रुचि पैदा हुई, जिस तों सचमुच पछम काफ़ी कुछ सार्थक सीख सकता है। तो स्वामी जी ने भारतीयों के अंधविश्वासी ते अवेसले होण दीआं अमरीकी धारनावां नूं मूलों ही बदल के रखता। उन्होंने पछम नूं योग ते वेदांत दे रूबरू कराया। 1894-96 दौरान पूरे अमरीका च भाषण दते। उन्होंने 1895 च न्यूयॉर्क च अपनी ठहर वाले कमरे में शुरू की मुफ्त क्लासा में निजी तौर पर भी सैकड़े विद्यार्थियों को पढ़ाया। बाद उन्होंने न्यूयॉर्क ते लंडन में वेदांत केंद्र भी शुरू किए। उन्होंने इस कदम नाल कुछ वार विवाद भी उठ खड़ा होया, खास करके ईसाई मिशनरियों के नाल जिन्हों की वह आलोचना का शिकार हो रहे सन। यह स्वामी के अणथक उद्यमों का ही प्रताप सी कि ना सिर्फ अमरीका सगो समुचे प्रगतिवादी जगत में भारत का मान सत्कार पहला नालों वध्या। इंग्लैंड के सद्दे मिलने तो बाद वह लंडन चले गए, जिथे उन्हों का अमरीका वांग ही निघा स्वागत किया गया। हर कोई उनकी बोलन शैली आधुनिक रहनी बहनी का कायल सी। बहुत सारे लोग उनके चेले बन गए। उन्होंने मारगरेट नोबल भी एक सी, जो कि बाद भैन निवेदेता वजो मशहूर हुई। तो वह बाद भारत आ गई सी। स्वामी जी भी लगभग 4 साल की पछम की अपनी निरंतर यात्रा भाषण के सम्मेलनों तो बाद 1897 भारत वापस आए सन। इस तो बाद उन्होंने कई कहले मिशन शुरू किए। 1897 पुरातन स्वामी परंपरा को रामकृष्ण मठ के जरिए फिर तो शुरू किया।
कई कट्टर हिंदुओं ने स्वामी की पछम की यात्रा करने करके आलोचना भी की, क्योंकि उदों समुद्र नूं पार करने का मतलब जात तो बाहर जाना मनिया जाता सी। स्वामी जी ने 1899 तो दसंबर 1900 एक बार फिर पछम की यात्रा की। 20वीं सदी के कई महान नेता जिवें गांधी सुभाष चंद्र बोस भी स्वामी का बड़ा प्रभाव मानते सन। पंजाबी सरमौर कवि प्रोफेसर पूरन सिंह भी विवेकानंद तो प्रभावित होकर उनके चेले हो गए सन, पर यह सच है कि बाद में वह गुरबाणी के प्रभाव हेठ पूर्ण गुरसिख बन गए सन। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने एक बार आख्या सी कि विवेकानंद ने ही हिंदू धर्म को बचाया सी। स्वामी जी के देहांत तो कई साल बाद ब्रह्मो समाज के एक प्रबुद्ध सदस्य टैगोर ने कहा सी, वह कहिंदा जे तुसी भारत नूं जानना चाहुंदे हो तां विवेकानंद नूं पढ़ो। भारत में स्वामी के जन्म दिवस 12 जनवरी नूं कौमी नौजवान दिवस वजों मनाया जाता, क्योंकि स्वामी दीआं बहुतीआं लिखतां भारतीय नौजवानां नूं ही संबोधित ने। तां उस तों बाद स्वामी विवेकानंद का जो देहांत है ये 4 जुलाई 1902 नूं होया। उदों वह सिर्फ 40 सालां दे सन। उन्हां दे देहांत नाल दुनिया तों एक अजिही आत्मा विछड़ गई जिस परमात्मा बुद्ध की दयालता, भगवान शिव की सर्व व्यापकता, श्री चैतन्य का स्नेह, यीशु मसीह का बलिदान, गुरु नानक साहब जी की निम्रता, समाज सुधारता और सेंट पॉल की दार्शनिकता समाई हुई सी। ये स्वामी विवेकानंद जी। हाँ जी, सो मिलते हैं नवी जानकारी तो देव आ गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।